हेलो एवरीवन तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा था तो कॉन्ट्रैक्टर uh, का सिलेक्शन करने के बाद अब जो कॉन्ट्रैक्टर की टीम है ठीक है जो प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने वाली है तो वो किस किस मेथड uh, का यूज़ करेगी वर्क को कंप्लीट करने के लिए या प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए तो क्या क्या uh, यहाँ पर प्रिंसिपल हो सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर जो पॉइंट्स uh, हम कंसिडर कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में ठीक है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑब्वियसली जब हम वर्क को एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं तो एक लार्ज uh, स्केल में हम अपने प्रोजेक्ट वर्क को शुरू करने जा रहे होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ठीक है ताकि आसपास के किसी भी तरीके को हम डिस्टर्ब uh, ना करें ठीक है टेक्निकल शेंक्शन ठीक है तो जो भी यहाँ पर टेक्निकल टीम होगी ठीक है टेक्निकल वर्क जो यहाँ पर कैरी किए जाएंगे तो उनको ठीक है उनका शेंक्शन कराना होगा ठीक है कैरी ऑन करने से पहले एग्जीक्यूट करने से पहले एंड फाइनली जब हम हमारा वर्क एग्जीक्यूट हो जाएगा ठीक है या फिर प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो जाता है तब हम यहाँ पर बिलिंग करते हैं या फिर आ, टाइम टू टाइम ठीक है एक पर्टिकुलर पीरियड पे टाइम पीरियड पे हम इसका बिलिंग एग्जीक्यूटेड वर्क का जो भी वीकली uh, हो सकता है या मंथली बेसिस पे हो सकता है तो उसका हम बिलिंग करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर डील करेंगे मेथड्स ऑफ वर्क ठीक है वर्क uh, को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं क्या क्या प्रिंसिपल यूज़ किया जा सकता है सो हियर वी कैन सी द मेथड्स ऑफ वर्क ठीक है तो वर्क कैन बी एग्जीक्यूटेड बाई वन और अदर ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स किसी भी एक मेथड से इसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है सो फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल मेथड सेकेंड इज द पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट मेथड थर्ड इज़ द लम सम कॉन्ट्रैक्ट मेथड द स्केड्यूल कॉन्ट्रैक्ट मैथड नॉमिनेशन मेथड एंड टेंडर सिस्टम तो इन मेथड में से किसी भी एक मेथड का यूज़ करके वर्क को या जो कम्प्लीट प्रोजेक्ट वर्क है उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है तो उससे पहले अगर हम देखें माइनर वर्क एंड मेज़र वर्क तो इस तरीके का प्रोजेक्ट वर्क जिसके लिए जो प्रिंसिपल यूज़ होगा ठीक है या फिर जो हम अगर बिलिंग की बात करें या फिर जो टेंडर है ठीक है इसके लिए अगर जो वैल्यू ऑफ वर्क है ठीक है ये वन लाख से एक्सीड करता है तो ये मेज़र वर्क कहलाता है ठीक है एंड इसके ऑपोजिट अगर वैल्यू ऑफ वर्क अगर हम ठीक है उस किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए लेस देन वन लैक यहाँ पर हम फिक्स करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज माइनर वर्क ठीक है तो पहला जो हमारा मेथड है वर्क को एग्जीक्यूट कराने का डिपार्टमेंटल मेथड है ठीक है तो डिपार्टमेंटल मेथड का यूज करके प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट किया जा सकता है तो डिपार्टमेंटल मेथड कहने का मतलब जो डिपार्टमेंट होती है या फिर जो कंपनी है या जो ओनर है ठीक है वो खुद इंगेज होकर जो भी नेसेसरी डेली लेबर है जो भी आर, मटेरियल का रिक्वायरमेंट है ठीक है दैट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्टर को ये सारे हैंड ओवर कर चुकी है बट जो ओनर है इसमें उनका भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ ओनर का भी इन्वॉलमेंट होता है ठीक है तो डिपार्टमेंटल मेथड्स में डेली लेबर पे डेली बेसिस पे लेबर को एग्जीक्यूट कराया जाता है लाया जाता है ठीक है डेली बेसिस पे आ, मटेरियल का नेसेसरी मटेरियल का परचेसिंग किया जाता है सप्लाई किया जाता है तो इस तरीके से डिपार्टमेंटल मेथड में डेली बेसिस पे आ, सारा वर्क एग्जीक्यूट किया जाता है एंड फाइनली प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है ठीक है तो सेम तरीके से जो बिलिंग होगा वो भी डेली बेसिस पे किया जाएगा सेकेंड जो मेथड है वर्क एग्जीक्यूट कराने का दैट इज द पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट मेथड ठीक है तो इस पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट मेथड में जो कॉन्ट्रैक्टर uh, ओनर होगी ठीक है वो कॉन्ट्रैक्टर को हैंड ओवर करेगी एंड हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर डिफरेंट डिफरेंट टीम्स को हायर करे यूज़ करे ठीक है अलग अलग प्रोजेक्ट वर्क के लिए या अलग अलग पार्ट ऑफ वर्क के लिए तो इस तरीके से पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट मेथड में जो कॉन्ट्रैक्टर्स है या जो ओनर है वो किसी एक टीम को एक पर्टिकुलर टीम को एक पर्टिकुलर वर्क पीस को कंप्लीट करने की करने के लिए हायर करती है ठीक है हैंड ओवर करती है तो इस तरीके से सपोज़ एक जो प्रोजेक्ट वर्क है जिसको सपोज कंप्लीट uh, होने में फिफ्टीन डेज लगने वाला है ठीक है एंड इसके लिए सपोज फाइव वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है ठीक है तो ये एक पीस ऑफ टीम हो गया ठीक है पीस ऑफ वर्कर हो गया एंड ये आपका पीस ऑफ uh, जितना फिफ्टीन डेज में जो वर्क कंप्लीट करना है तो पीस ऑफ वर्क हो गया तो इस तरीके से यहाँ पर एक पर्टिकुलर टीम को एक <coughs> कंप्लीट पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट वर्क या पार्ट ऑफ वर्क दे दिया जाता है ठीक है किसी एक टाइम पे कंप्लीट करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर विदाउट रेफरेंस टू क्वांटिटी ठीक है क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा और कितना टाइम वो ले रही है उस पर डिपेंड नहीं करेगा बट एक आ, काम असाइन कर दिया गया है कि इस टाइप का जो एक पर्टिकुलर वर्क है ये इस टाइप की जो टीम है उसे ही कंप्लीट करेगी तो दिस मेथड इज़ नोन एज पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट मेथड लमसम कॉन्ट्रैक्ट मेथड तो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट जब हमने देखा था वहाँ पर भी हम देखेंगे कि लमसम दैट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एग्री हो जाता है पूरे कंप्लीट वर्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए आ, अपने अकॉर्डिंग ठीक है एंड ऑल्सो अपने प्रपोजल प्रपोज्ड प्राइस के बेसिस पे ठीक है तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो इनिशियली एक प्रपोज कर देता है प्राइस ठीक है एंड इसी प्राइस पे वो आ, पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एग्रीमेंट देता है ठीक है दिस इज लमसम कॉन्ट्रैक्ट मेथड, स्केड्यूल कॉन्ट्रैक्ट मेथड ठीक है तो ये टाइम टू टाइम जो भी वर्क होगा पीस ऑफ वर्क होगा इसको स्कीड्यूल किया जाएगा ठीक है एंड उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक या एक से ज़्यादा वर्क को इंक्लूड करते हुए फिक्स्ड रेट पे या फिक्स्ड अमाउंट पे जो कि उसको पे किया गया है ठीक है डिपेंडिंग अपन क्वांटिटी या डिपेंडिंग अपन काइंड ऑफ वर्क उस बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक या एक से ज्यादा काम करा सकता है स्कड्यूल्ड टाइम पे ठीक है नॉमिनेशन मेथड नॉमिनेशन मेथड हम यहाँ नाम से समझ पा रहे हैं कि जो भी मेजर वर्क होगा या माइनर वर्क किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट वर्क होगा तो नॉमिनेशन मेथड में इस तरीके का जो पीस ऑफ वर्क है ठीक है ये प्रपोज कर दिया जाता है एंड जो डिफरेंट टीम होगी ठीक है उस तरीके से वो अपने कन्वीनियन के अकॉर्डिंग अपने क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट पीस ऑफ वर्क होगा उसको ये एग्जीक्यूट करेगी ठीक है सो दिस ऑल अबाउट दिस ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ वर्क ठीक है या मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क तो इस बेसिस पे इस छः बेसिस पे आ, जो कंप्लीट वर्क है उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है ठीक है इधर इसमें इन्वॉल्वमेंट ओनर का भी हो सकता है सिर्फ सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का भी हो सकता है या फिर दोनों मिलकर ये सारे प्रोजेक्ट वर्क को एग्जीक्यूट कराते हैं ठीक है टेंडर सिस्टम टेंडर सिस्टम में भी जो वर्क मत वर्क को कंप्लीट कराने का है तो यहाँ पर आ, जो ओनर होगी उसे काम कराना है तो वो टेंडर नोटिस निकालेगी एंड कॉन्ट्रैक्टर फाइनली आ, जो भी हम लोगों ने पिछले प्रोसेस देखा है तो उन सारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो टेंडर नोटिस या जो भी एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट करेगा एंड कॉन्ट्रैक्टर अपने उस ओनर के कंप्लीट जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको ये कंप्लीट कराने का एग्रीमेंट लेगा तो दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ठीक है तो ये सारा मेथड्स हो गया मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको uh, जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क का कुछ और प्रिंसिपल्स है ठीक है तो इन सारे बिलिंग मेथड्स वगैरह इन सभी को हम आगे डील करेंगे सो दैट्स ऑल थैंक यू एवरी